खरगोन जिले के महेश्वर पुलिस थाने में एक अजीबोगरीब मामले में पुलिस ने FIR दर्ज की है। आमतौर पर पुलिस अपराध या बड़े आपराधिक मामलों में ही प्रकरण दर्ज करती है, लेकिन महेश्वर पुलिस ने मात्र 300 रुपए की मुर्गी की टांग टूटने पर प्रकरण दर्ज कर लिया है। पूरा मामला रोचक लगता है। आपको बता दें कि महेश्वर थाने के काकरिया गांव का है, जहां फरियादी सुनील ओसारी की मुर्गी पड़ोसी आरोपी मुकेश के खेत में दाना चुग रही थी। इस दौरान आरोपी ने मुर्गी को पत्थर मार दिया, मुर्गी घायल हो गई और उसकी एक टांग टूट गई। फरियादी की शिकायत पर महेश्वर पुलिस ने मुर्गी की MLC के आधार पर आरोपी मुकेश के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया। मुर्गी की उम्र 6 माह बताई जा रही है। फरियादी सुनील ओसारी मुर्गी को लेकर महेश्वर थाने पहुंचे। पुलिस ने मुकेश पिता छगन के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर नोटिस देने की तैयारी कर रही है। ASP नीरज चौरसिया ने मीडिया को बताया कि फरियादी सुनील की शिकायत पर FIR दर्ज की गई है। मुर्गी की MLC भी कराई गई थी। आरोपी को नोटिस दिया है, न्यायालय में पेश करेंगे। भारतीय न्यूज के लिए खरगोन से रजाक खान की रिपोर्ट। देखिए, अभी थाने से ये सूचना प्राप्त हुई कि कल एक घटना हुई थी काकड़िया गांव में। सुनील भील हैं, उनकी एक मुर्गी है, वो पास के ही खेत में मुकेश भील के खेत में कुछ दाना वाना चरने गई थी। तो पहले से उनकी झगड़े विवाद थे, तो आरोपी ने एक पत्थर मारा जिससे जो उनकी मुर्गी थी उसके पैर में चोट आई, जिसमें MLC कराई गई और उसको फ्रैक्चर होना बताया वेटनरी डॉक्टर द्वारा। तो आज उनको नोटिस तामील करके न्यायालय में पेश किया जाएगा। हाँ जी, उसी में MLC हुई और उसमें डॉक्टर ने उसको फ्रैक्चर होना लिख बताया। गिरफ्तारी नहीं हो पाएगी, नोटिस पे तामील होगी तो चालान होगा। अभी अरनेश कुमार वाला मामला है तो उसके तहत आरोपी की गिरफ्तारी ना करके नोटिस पे नोटिस तामील कर चालान पेश करते हैं साथ में आरोपी के। Subscribe now to most exciting channel ever.